2023 में होगा महामुकाबला, एक दो बार नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच होंगे 6 टूर्नामेंट। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने गुरुवार को पूरे साल का शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें वनडे एशिया कप भी शामिल है। इसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और इसके अलावा महिला T20 एमर्जिंग एशिया कप, मेंस एमर्जिंग 50 ओवर एशिया कप और मेंस अंडर 19 एशिया कप में भी दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमों को एक साथ रखा गया है। इस साल अक्टूबर नवंबर में भारत में वनडे वर्ल्ड कप होना है। यहां भी रोहित शर्मा और बाबर आजम की टीमों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। इसके अलावा अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें उतर रही हैं। यानी इन 6 टूर्नामेंट में दोनों के बीच 10 से अधिक मुकाबले खेले जा सकते हैं। वनडे एशिया कप की बात करें तो सितंबर में ये मुकाबला खेला जाना है। हालांकि अब तक वेन्यू घोषित नहीं हुआ है। इसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली है लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। ऐसे में मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें उतरेंगी। भारत और पाकिस्तान के अलावा क्वालिफायर 1 को एक ग्रुप में रखा गया है, यानी दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। इसके बाद सुपर 4 और फिर फाइनल होना है, यानी कि भारत और पाकिस्तान इस सीरीज में 3 मुकाबले खेल सकते हैं। वनडे वर्ल्ड कप में होंगे 2 मुकाबले। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो 10 टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। सभी टीमें 9 ग्रुप के मुकाबले खेलेंगी। इसके बाद नॉकआउट में भी भारत और पाकिस्तान का मैच हो सकता है। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में है। दोनों के बीच यहां पर सुपर 6 और सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़ंत हो सकती है। इन दोनों टूर्नामेंट में कुल 4 मुकाबले संभव है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की जूनियर टीमें महिला T20 एमर्जिंग एशिया कप, मेंस एमर्जिंग 50 ओवर एशिया कप और मेंस अंडर 19 एशिया कप में मुकाबले को तैयार है। पिछले दिनों T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच खेला गया था। अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को रोमांचक जीत हासिल हुई थी।